गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एक ताल और चार ताल के विषय में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एक ताल में और चार ताल में क्या समानताएं होती हैं और क्या इन दोनों में अंतर होता है। आइए चलते हैं, पहले एक ताल को देखते हैं। सबसे पहले हम ताल का नाम लिखेंगे, एक ताल। एक ताल में बेटा मात्रा 12 होती है, साथ साथ में चार ताल पर भी लेकर चल रहा हूं। चार ताल इसमें भी मात्रा बराबर रहेगी। ये इस ताल में दोनों में समान बात है, ताल का नाम अलग है, ये एक ताल है, ये चार ताल है, मात्रा 12 है इसमें, इसमें भी 12 है। अब इसके बाद विभाग आता है। विभाग 6 बनाए गए, दो दो मात्राओं में, दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार से हम यहाँ पर इनको लिखेंगे। दो दो मात्राओं के 6 विभाग इसमें होते हैं। विभाग के बाद जहाँ से ताल शुरू होती है वह मात्रा सम कहलाती है, और एक ताल में जो सम है वो नियमानुसार पहले मात्रा पर रहेगा, क्योंकि संगीत में जितने भी ताल हैं सभी ताल प्रथम पहले मात्रा से ही प्रारंभ होती है, इसलिए एक ताल में भी सम पहले मात्रा पर रहेगा। इसके बाद आता है काली। अभी तक हमने पिछले वीडियो में जो ताल पढ़ी उन तालों में एक खाने का प्रयोग किया गया था, और संगीत में चार ताल और एक ताल ऐसी ताल है, ये इनमें दो बार खाने का प्रयोग होता है, दो खाली आए तीसरी मात्रा पर और सातवीं जो मात्रा है उस पर खाली रहेगा। एक ताल में जो खाली है वो तीसरी और सातवीं मात्रा पर रही। उसके बाद हम लिखेंगे ताल। ताले, अब देखिए हमारा जो पहला जो विभाग है उसमें हमारे पास सम आ चुका है और तीसरी और सातवीं मात्रा इसमें खाली आ चुकी है। हमारे पास अब जो विभाग बच गए उन विभागों में जो प्रथम मात्रा रहेगी उस मात्रा को हम ताल में ताले मानकर चलेंगे। ताले मानी जाती है, ताले होती है, और वो कौन कौन से विभाग बचे हमारे पास, पांचवी मात्रा, नौवीं मात्रा और ग्यारहवीं मात्रा। पांचवी मात्रा पर दूसरी ताली रहेगी, नौवीं मात्रा पर तीसरी ताली रहेगी और ग्यारहवीं मात्रा पर चौथी ताली रहेगी। तो हम इसका एक बस छोटा सा हम सीखने के लिए समझने के लिए एक टेबल एक बार यहाँ पर बना के समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से हमने ये लिखा है। अभी हम यहाँ पर सीख रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं। जब हम इस ताल का परिचय लिखेंगे तब हम ये काम यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम शॉर्ट पर से लिखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ बनाया जाएगा, इन सभी बातों को विस्तार से हम लिखेंगे पैराग्राफ में, उसके बाद हम ताल की टेबल बनाएंगे। इस प्रकार से ये बाद में बना रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बीच में इसको एक बार बना रहा हूँ। इस प्रकार से दो दो मात्राओं को हम बांट कर चलेंगे तो इसमें 6 भाग बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली मात्रा पर हमने सम प्रयोग किया है, सम के लिए क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, वो चिन्ह हमने लगा दिया। तीसरी और सातवीं मात्रा यहाँ पर काली और काली के लिए चिन्ह है वो शून्य का है, जीरो का चिन्ह है। पांचवी, नौवीं और ग्यारहवीं मात्रा पर मैंने आपको बताया ताली, दूसरी ताली, तीसरी ताली और चौथी ताली। पहला जो सम है इसको एक पहला सम माना जाता है, पहले ताली माना जाता है, और चिन्ह हम यहाँ पर क्रॉस का प्रयोग करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक नहीं दर्शाएंगे। इसके बाद अगली जो संख्या आएगी उस संख्या से हम अगला जो सम है, अगली जो ताली है, अगली जो घड़ी है उसको दर्शाएंगे। एक के बाद अगली जो काउंटिंग है वो 2 रहेगा, यहाँ पर दूसरी ताली, यहाँ पर तीसरी ताली और यहाँ पर चौथी ताली। इस प्रकार से हम इस ताल की टेबल बनाएंगे पैराग्राफ बनाने के बाद। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से लिखना होता है। इस प्रकार से सभी विद्यार्थी पहले शॉर्ट परिचय बनाएंगे, उसके बाद इसका जो पैराग्राफ है परिचय जो है वो लिखा जाएगा।
परिचय में इन सभी बातों को विस्तार पूर्वक हम लिखेंगे। एक ताल 12 मात्राओं का ताल चक्र है, इसमें दो दो मात्राओं के 6 विभाग बनाए जाते हैं। एक ताल की पहली मात्रा सम, तीसरी और सातवीं मात्रा को खाली माना जाता है, पांचवी, नौवी और ग्यारहवीं मात्रा पर दूसरी, तीसरी और चौथी ताली आती है। इस प्रकार से हम इसका पैराग्राफ बनाएंगे। एक ताल के समान मात्राओं की दूसरी जो हमारी ताल है वो 4 ताल है। इस ताल में एक ताल के समान ही 12 मात्रा होती है, एक ताल के समान ही इसमें 6 विभाग होते हैं, एक ताल के समान इसमें पहली जो मात्रा है वो सम कहलाएगी, और खाली जो है उसमें एक ताल में और 4 ताल में अंतर होता है। एक ताल में खाली तीसरी और सातवीं मात्रा पर है, 4 ताल में जो खाली है वो तीसरी और नौवीं मात्रा पर रहेगा। हमने यहाँ पर जो टेबल बनाकर आपको समझाया था उसके अनुसार नौवीं मात्रा का और सातवीं मात्रा का जो चिन्ह है वो आपस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर जो ताली आई ये तो होगी खाली, और ताली जो आएगी, ताली हमारी जो एक ताल है इसमें 5, 9, 11 पर है। अब यहाँ पर जो ताली है वो 9 पर हमने क्या मान लिया, खाली मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सातवीं जो मात्रा है वो ताली बन जाएगी। मतलब कि यहाँ पर 5, 7 और 11 इन मात्राओं पर ताली रहेगी। इस प्रकार से एक ताल और 4 ताल आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते ताल हैं, बोल अलग अलग इनके होते हैं। एक ताल के जो बोल हैं वो बंद होते हैं, 4 ताल के जो बोल होते हैं वो खुले होते हैं। ये खुले बोल के ताल हैं, खुले बोल के ताल मैंने आपको बताया था मृदंग और पखावज वाद्य पर बजाई जाएगी, बंद बोल की जो ताल है वो तबले पर बजाई जाएगी। इस प्रकार से इन तालों में कुछ विशेष जो बात जो है वो इन दोनों के अंदर कुछ बातें आपस में मिलती जुलती हैं और कुछ बातों में अंतर है। एक ताल जो बंद बोल की ताल है तबले पर बजाई जाएगी, इसके साथ हम इस ताल में गीत गाएंगे, गजल इसमें गाया जाएगा, भजन भी गाया जाता है, द्रुत ख्याल भी इसमें गाया जाता है, विलंबित काल भी इसमें गाया जाता है, विलंबित काल भी इसमें गाया जाता है, और भी शास्त्रीय संगीत की जो गायन शैलियां हैं वो इस ताल में एक ताल में गाई बजाई जाती है। ताल की जहां तक लय की जो अंत तक बात है, ताल में जो लय प्रयोग की जाती है, स्पीड प्रयोग की जाती है, वो तीनों ही लय में, विलंबित लय में, मध्य लय में और द्रुत लय में, तीनों ही लय में ये ताल प्रयोग की जाती है। हम इस ताल का वादन करते समय, इसको बजाते समय, इसमें विलंबित लय का भी प्रयोग करते हैं, सामान्य मध्य लय का भी प्रयोग करते हैं और द्रुत तेज लय का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम इस ताल का पैराग्राफ जो है वो बनाएंगे, इन सब बातों को विस्तार से लिखते हुए। उसके बाद हम लिखेंगे कि बंद बोल की ताल होती है तबले पर बजाई जाती है, इसमें गीत गजल भजन गाए जाते हैं, विलंबित द्रुत ख्याल भी इसमें गाए जाते हैं, और शास्त्रीय संगीत की और भी जो गायन शैलियां है वो भी इस ताल में गाई बजाई जाती है। इस ताल में तीनों लय का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इस प्रकार से हम इसका पैराग्राफ बनाते हुए इस ताल के एक गुण और दो गुण की टेबल बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक गुण की टेबल बना रहा हूँ, मात्रा लिखेंगे 2, 1, 2, विभाग बनाया हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे। पहली मात्रा सम, तीसरी मात्रा खाली, सातवीं मात्रा खाली, दूसरा सम, तीसरा सम और चौथा सम। ताल का नाम लिखेंगे टेबल के ऊपर, यहाँ पर तार हमारी होगी एक तार। हम जो प्रकार इसका बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे एक गुण। हम यहाँ पर एक गुण बना रहे हैं तो हम एक गुण इस प्रकार से लिखेंगे, ये मात्रा हो गई, मात्रा के बाद चिन्ह होंगे और चिन्ह के बाद ताल के बोल लिखेंगे। मात्रा में लिख ली, चिन्ह हमने लगा लिया, उसके बाद बोल लिखेंगे। एक ताल के और 4 ताल के जो बोल है वो अलग अलग होते हैं। एक ताल के बोल दिन दिन से शुरू होते हैं और 4 ताल के बोल धा धा से शुरू होते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, दिन
धिन धागे तेल के एक बोल से आधे का बोल जब हम एक मात्रा के समय में प्रयोग करेंगे तो उनके लिए हम नीचे आर्ध चंद्राकार चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा धागे तिल धागे यहाँ पर एक से अधिक बोल हो गया तो हमने चिन्ह लगाया आर्ध चंद्राकार। यहाँ पर सिंगल बोल है धिन धिन तो इनके लिए हम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले बोल हम लिखेंगे देखिए धिन धिन धागे तिल किट तू ना का ता दिन दिन धागे तिरकिट तू ना का ता धागे फिर धागे आएगा धागे तिरकिट और फिर भी ना। इस प्रकार से हम एक ताल के जो बोल हैं वो लिखेंगे भिन भिन धागे तिरकिट तू ना का ता धागे तिरकिट धी ना। ये 12 मात्राओं के ताल है इसमें दो दो मात्राओं के विभाग बनाए और ये बोल यहाँ पर हमने लिख लिया। इसी के आधार पर इसकी दुगुन की टेबल बनाई जाएगी। दुगुन में हम क्या करेंगे एक मात्रा के अनुसार यहाँ पर एक बोल है और दुगुन में हम एक मात्रा के अनुसार दो बोल का उच्चारण दो बोल लिखे जाएंगे भिन्न भिन्न। इनको लिखने के लिए अलग से टेबल बनाया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं यहाँ पर इसको साफ करके और आपको दुगुन की टेबल बनाकर दिखा रहा हूँ। ये हमारी ताल की साल होगी कहते हैं फिर अब देखिए यहाँ पर हम दुगुन की टेबल बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखते हैं में आप आती है नहीं। इस प्रकार से टेबल बनाएंगे चिन्ह बोली लगाएंगे हम जीरो दो जीरो तीन चार यहाँ पर तार का नाम लिखेंगे एक तार तो यहाँ पर हम दुगन बना रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे हम दुगन इस प्रकार से ये मात्रा होगी ये हमारे चिन्ह हो गए। चिन्ह के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक मात्रा के अनुसार यहाँ पर एक बोल का उच्चारण हो रहा है ये एक बोल होगी यहाँ पर दो बोल हम साथ लिखेंगे धिन धिन और जोड़ने के लिए नीचे ऐसे चिन्ह लगाएंगे आधे चांद जैसा अर्ध चंद्राकार। ये हमारे ताल की दुगुन की पहली मात्रा। अब अगले तो बोलेंगे धागे के धागे ये मात्रा हो गई फिर ये एक मात्रा हो गई ये दोनों अलग अलग मात्रा है और इन दोनों को जोड़कर हमें एक मात्रा बनानी है फिर एक चिन्ह नीचे और लगेगा अर्ध चंद्राकार का ये हमारे ताल के दुगुन में दूसरी मात्रा बनती है। अगले बोल तू ना यहाँ पर अगला बोल लिखा जाएगा तू और ना इन दोनों को जोड़ने के लिए फिर वो चिन्ह लगाएंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद आगे फिर धागे तेल के इनको जोड़ेंगे ऐसे बनेगा यहाँ पर जोड़ा काम है थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे धागे तेल के तो फिर अगले दो बार बचेंगे हमारे पास घी ना। इस प्रकार से जो कार्य हम छह अपने जो एक तार की 12 मात्राओं में कर रहे थे उसी काम को हमने दुगने दुगना काम जो हमने किया दुगुन इसमें जो लय प्रयोग की गई दुगनी जो चार इसमें दी गई तो हमने 6 मात्राओं के समय में इसको पूरा कर दिया। अब हमारे पास जो 6 मात्राएं बच गई उनके लिए हम आगे इन्हीं बोल को दोहराएंगे मतलब कि पहली मात्रा के जो बोल है उन्हें यहाँ पर लिखा जाएगा भिन्न भिन्न फिर धागे जगह कम है यहाँ पर धागे तेरे ये हमारे ताल की आठवीं मात्रा बन गई। आठवीं मात्रा के बाद हम अगली जो मात्रा है वो बनाएंगे नौवीं मात्रा
नौ के बाद दस और फिर अगली जो मात्रा है वो बनाएंगे इस प्रकार से ग्यारह बारह। तो दिन दिन धागे हमने ध्यान से ले लिया कि तू ना करता, तू ना करता, दोनों बोल रहे तू ना करता कर धागे तिरकिट और फिर ढीला। यहाँ पर लिखेंगे हम धागे तिरकिट और नीचे से लगाएंगे और फिर उसके बाद लास्ट मात्रा भी ना। इस प्रकार से हम एक ताल की दुगुन की टेबल बनाएंगे। ये एक गुण है, एक गुण पहले बनाएंगे, एक गुण के बाद दुगुन बनाई जाएगी। यदि इस ताल की तीन गुण बनानी हो तो हम यहाँ पर तीन गोर को इकट्ठा जोड़ेंगे, धीन धीन धागे इनको जोड़ेंगे दोनों तीनों को और फिर नीचे आठ का चिन्ह प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से संगीत में जो ताल है वो एक गुण से आठ गुण तक गायब हो जाती है। अधिकतर जो ताल का जो परिचय है उसमें एक गुण दुगुन के विषय में पूछा जाता है, कभी कभी इसमें तीन गुण चार गुण के विषय में भी पूछ लेते हैं। इसलिए हमें इस ताल की ताल हमारे जो सिलेबस में जितने भी ताले हैं उन तालों की हमें एक से कम चार गुण तक टेबल बनानी आनी चाहिए। चार गुण में हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार गुण लेंगे, एक दो तीन चार, इन चारों को लेंगे फिर हमारी ताल की एक मात्रा बनेगी। इस प्रकार से हम चार चार की काउंटिंग करते हुए बारह बार लिखेंगे और इस प्रकार से हमारी चार गुण की जो टेबल है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ताल का परिचय समझ में आया होगा और आप इस वीडियो के माध्यम से इस ताल को लिखना सीखेंगे, इसको समझेंगे और समझकर आप उसको अच्छे से दोहराएंगे, याद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।